हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वड़ा पाव की रेसिपी बताने वाली हूँ। मैं घर पे बना रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आलू ले लूँगी। इसको अच्छी तरह वॉश करके मैं उबालने के लिए कुकर में 2 सीटी लगाऊंगी। और जितना पानी आप ऐड करोगे, जितने आलू होंगे उतना पानी आप ऐड करें और इसको बॉयल करने के लिए रख दें। फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ लहसुन, मूंगफली और लाल मिर्च। इसको सबसे पहले मैं मूंगफली को अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी गैस पे अच्छी तरह, क्योंकि इसको भूनने का जो अलग ही स्वाद होता है। ये मैं बना रही हूँ लहसुन की सूखी चटनी, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है वड़ा पाव में, उससे ही टेस्ट आता है। तो ये जब तक आलू उबल रहे हैं, जब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ मैं ऐड करके अपने मिक्सर में अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ये इस टाइप की हो जाएगी। अगर आपका लाइट कलर आता है तो इसमें रेड चिल्ली आप डाल सकते हो। अब मैं इस चटनी के लिए थोड़ा सा छौंका तैयार कर रही हूँ जीरा का। तेल लेके जीरा डाल के और मैंने सब कुछ डाल दिया है। फिर नमक डालना है और ये डाला है मैंने खटाई, अमचूर जिसे बोलते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी गुठली थी तो मैं इसको अच्छे से मैश करके ये रख दूंगी और ये चटनी बनके तैयार है। बहुत ही इजी है। यहाँ पे मेरे आलू भी तैयार हो गए हैं बॉयल्ड होके, तो मैं इसको अच्छी तरह जल्दी से छील लूँगी और इसको छील के कट कर लूँगी। सारी मतलब अच्छी तरह मैश करना है हमने, ताकि वड़ा पाव के लिए वड़ा तैयार कर सकें। तो इसमें हल्का सा तेल लेके मैंने सरसों डाली है। आप पीली सरसों भी डाल सकते हैं, मैं काली डालती हूँ। ये है कड़ी पत्ता, हल्का सा कड़ी पत्ता डालना है। फिर इसके बाद मैं हल्दी डालूँगी। इसके बाद आलू डाल देंगे जो मैंने मैश किए थे। बहुत अच्छे से इसी टाइप से मैश कर लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप ये, और इसमें मिक्स करके मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। और इसको भूनने के बाद आप गैस बंद करके रख दें, ठंडा होने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे, जो कि वड़ा होता है, वड़ा बनाएंगे हम इसको, बटाटा वड़ा कहते हैं सब इसको। थोड़ा सा बेसन लेके इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और सारी चीज़ें डाल देंगे, जो भी आपने अपने हिसाब से डालना है आप डाल सकते हैं। तो और मैं इसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको बेसन को अच्छी तरह घोल लूँगी, ताकि गुठली ना बने। गुठली बहुत जल्दी बन जाती है अगर बहुत सारा हम पानी डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते आप इसको अच्छा सा टेक्सचर पेस्ट बना ले, मतलब इस टाइप का जैसे अभी मैं बना रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी है। और इसको हल्का सा जैसे आपके अच्छा सा एक लेयर चढ़ जाए वड़ा में, तो हम आगे देखते हैं। ये इस टाइप का बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसमें अच्छे से गोल से एक वड़ा तैयार कर लूँगी, जितने साइज़ का आपको पसंद है। मैं इस साइज़ का रेडी कर रही हूँ, ये आप साइज़ देख सकते हो। और मैंने जो भी आलू लिए थे मैंने एक निकाल दिया, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लग रहे थे हमारे हिसाब से। हम 2 ही बंदे हैं और ये हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं वड़ा पाव। और ये देख सकते हो आप, इतने अच्छे तरीके से मैंने गरम कर लिया ऑयल। अब मैं इसको अच्छी तरह वो पेस्ट में डाल के ऐसे करके आपने बेसन को एक लेयर चढ़ानी है। फिर इसको अच्छी तरह हल्का लाइट ब्राउन करना है हमने अपने बटाटा बड़ा को, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत लोग नॉर्मल बटाटा बड़ा खा लेते हैं, बट मेरे को बहुत पसंद है वड़ा पाव बनाना और खाना और खिलाना। तो आपको भी मैं खिलाना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा एक रेसिपी भी डाल देती हूँ। तो आप, बहुत ही इजी है ये रेसिपी, तो हम ये घर पे बना सकते हैं। तो ये मैंने ब्राउन हो गए हैं आप देख सकते। मैं इसको अब वड़ा को पाव में लगाऊंगी। इसमें मैं कट करूंगी सबसे पहले, और आप ये कोई भी ले सकते हो। मैंने हार्वेस्ट का पैकेट लिया है,
इसमें ग्रीन चटनी डालूंगी और इसमें सिर्फ हरा धनिया और मिर्च से मैंने नमक डाल के पीस दिया था, बस कुछ भी नहीं है इसमें। और इसमें हल्का सा जो चटनी बनाई थी मैंने लहसुन की, वो डाल के इसमें वड़ा रखना है और बस रेडी है। और ये खाने के लिए सारी चीज़ें आप घर पे ट्राई कर सकते हो बहुत ही इजीली। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आपकी ही फरमाइश के हिसाब से ये वड़ा पाव की रेसिपी बनाई है, और आप ज़रूर बताया करो कि कैसी लगी। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।